कम हो गया, दर्द कम हो गया। चलो इसको यहाँ पे उंगली पे भी चोट लगी है, काफ़ी खून भी निकल रहा था, तो अभी इसको दवाई लगाई है और पट्टी बांध दी है। सही हो जाएगा ना अभी थोड़ी देर में, है ना? रश तो अच्छा बच्चा है ना, खून देख के पहले डर गया था, रो रहा था, है ना? फिर दवाई लगाई, पट्टी बांधी, अब सही हो जाएगा जल्दी से, है ना? अचानक से चोट लग गई है ना, खेल रहा था अभी, दरवाजे से आगे लग गई है। तो ये हो गया मछली का मसाला, और ये सिर्फ मैं और अपना दो ही खाएंगे। और यहाँ पे मैं रोटी पका रही हूँ, फ्राइज भी पक गए, और ये कच्चे आम की चटनी हो गई, फिश फ्राई हो गई। तो यहाँ पे खाना लग चुका है बच्चों, खाना आके खाओ, आ जाओ बच्चों। तो यहाँ पे फिश खा के फिर मुंह का जायका थोड़ा अजीब हो गया था, और है ना फिर नंद भी आई हुई है, उनके बच्चे भी आए हुए हैं, तो है ना वो भी नीचे थे, तो फिर हम सब लोगों ने मिल के कोल्ड ड्रिंक पी। यूट्यूब चैनल मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बच्चे भी बिल्कुल ठीक ठाक। और जी अभी है दोपहर का टाइम, और अभी धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, और है ना आज हम लोगों ने खाने में फ़िश बनाई थी, फ़िश फ्राई की थी, और है ना अभी मैं नहा धो के फ्रेश होके आ गई हूँ, और है ना मुझे बाहर जाना है, बच्चों की बुक्स पे कवर लगवानी है, कॉपीज़ पे भी कवर लगवाने हैं, कुछ बुक्स पे लग चुका है, कुछ रह गई हैं, तो उन पर भी मैं लगवाने लगी हूँ बुक्स पे कवर। तो आज ये काम भी मुझे हर हाल में ख़त्म करना है, और उसके बाद फिर मुझे बीपी भी चेक करवाना है, हॉस्पिटल भी जाना है, और साथ में फिर मार्केट से थोड़ा बहुत सामान भी लेना है। और जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी बस थोड़ी देर वेट करते हैं, और है ना बच्चों की बुक्स मैं निकाल दूँ, शॉपर में डाल दूँ, जो रह गई है वो निकालनी है, शॉपर में डालनी है, उसके बाद फिर मार्केट चलते हैं, और है ना शाम की चाय पी के फिर ही मैं बाहर निकलूँगी, क्योंकि फिर वरना सर में दर्द रहेगा, और उसके बाद फिर बच्चों के वापस बैग में भी बुक्स वगैरह डालनी है। तो अभी बच्चे बाहर गए हैं चीज़ लेने, वो जैसे चीज़ लेकर आते हैं तो फिर है ना बुक्स वगैरह उनके बैग से निकालते हैं, और फिर मैं बुक्स देने जाती हूँ। चलते हैं अभी, बच्चे देखते हैं आए हैं या नहीं आए, कि अभी तक बाहर ही है, देखती हूँ अभी आवाज़ देती हूँ कि दरवाज़े के पास आए हैं या नहीं आए। तो यहाँ पे अभी सामने तो बच्चे नहीं है, मैंने उनको आवाज़ दी, हाँ अब आ रहे हैं सामने से, उधर से उनकी आवाज़ें आ रही हैं अभी थोड़ी थोड़ी बच्चों की बातें की, तो बस जैसे ही बच्चे आए हैं जल्दी से, तो चलो अभी मैं दरवाज़ा बंद करने लगी हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के न्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और न्यू कोर्स भी इनके आ गए हैं, तो अभी मैं इनके बैग से ही बुक्स निकालने लगी हूँ, और क्योंकि इन पे कवर चढ़वाना है बुक्स पे, डायरीज़ पे, कॉपीज़ पे, और कॉपीज़ पे अगर देखती हूँ मैं बाहर से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हॉस्पिटल में मैं अपना बीपी चेक करवाने आई हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने बीपी नहीं चेक करवाया, तो अभी यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ, अभी कोई आएगा मेरा बीपी चेक करेगा, अभी यहाँ पे कोई बैठा हुआ नहीं था। तो यहाँ पे अभी है ना मैं घर बस वापस चल रही हूँ, बीपी भी मैंने चेक करवा लिया, और बुक्स वगैरह भी उठा ली, और अभी आगे एक शॉप पे मुझे डस्टबिन भी लेना है। तो यहाँ पे बड़ा डस्टबिन मेरे पास नहीं था, तो काफ़ी मुश्किल होती थी मुझे बड़ी शॉप पर यहाँ पे रखनी पड़ती थी, और है ना अंदर तो डस्टबिन छोटे छोटे थे, लेकिन बहुत बड़ा जो मेन डस्टबिन नहीं था वो भी मैं लेकर आ गई हूँ, और अभी ये एक छोटी सी बाल्टी है ना पोछे वोचे के लिए भी, तो ये दो चीज़ें मुझे ये भी चाहिए थी। तो ये घर के करीब ही दुकान है, इतना दूर भी नहीं है, तो बस वहाँ से फिर आते हुए मैं बड़ा सा डस्टबिन और एक छोटी सी पोछे की बाल्टी भी लेकर आ गई, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे, तो अभी मैं ये भी लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पे बच्चों की डायरीज़ जो रह गई थी, और जो कुछ बुक्स रह गई थी जिसपे कवर नहीं चढ़ा हुआ था, तो वो भी आज मैंने चढ़वा दिया, क्योंकि ना एक दिन दो दिन पहले बुक्स मिली थी वो सारे उस पर मैंने कवर लगवा दिए थे, लेकिन ये टीचर्स के पास थी तो ये रह गई थी, तो आज ये भी मिल गई थी, इन पे भी कवर चढ़वा दिया है, प्लास्टिक कोटिंग करवानी है, क्योंकि इनका बस यही होता है कि प्लास्टिक कोटिंग करवानी होती है, और ये स्कूल के नाम से छपी हुई होती है, तो उन पे सिर्फ वाइट कवर लगता है, और अगर दूसरी कापी होती है तो स्काई ब्लू कवर उसके ऊपर दूसरी का, और ये मुझे शुक्र है कि बने बने हुए कवर मिल गए थे कापियों के साइज़ के, वरना कभी कभार कापियों के साइज़ के कवर नहीं होते तो फिर मुझे अलग से प्लास्टिक कोटिंग करवानी पड़ती, लेकिन इतनी शॉप पर रश थी तो मैंने कहा शुक्र है कि मुझे कवर मिल गए। तो अभी बाइक से मैं ये सारे कॉपीज के कवर लेकर आई हूँ, बने हुए मिल गए थे, वरना अभी कोटिंग में तो टाइम लग रहा था, तो अभी हम ये कॉपीज को कवर चढ़वाते हैं स्कूल की कॉपीज को, ये कभी कभी मिलते हैं कभी कभी नहीं मिलते, फिर है ना कोटिंग करवानी पड़ती है अलग से, चलो आज मिल गए तो टाइम बच गया, वरना इतनी रश थी बाहर दुकानों पर आज भी, एक तरफ से ये हो गया।
तो हम यहाँ पे इससे बिल्कुल सिंपल से आसानी से ये देखो चल गए, ये हो गया, ये देखो अच्छे से कवर चढ़ गया। ये सही से अब चढ़ गया, अब तुम कोशिश करोगी एक लगाओगी कवर? चलो आ जाओ एक तुम भी लगाओ, आ जाओ एक को तुम लगाओ, आप भी ट्राई करो, देखो आपसे चढ़ कवर सही चढ़ता है या नहीं चढ़ता, कोशिश करो। एक तरफ से हो गया ना, अब इसी तरह आराम से दूसरी तरफ से भी करो। हो गया, देखो कवर लग गया ना सही से। चलो जी अब इसी तरह बाकी सारी कॉपीज को भी कवर लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे सो नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से सोए हैं, और अनाया भी नहीं सो रही थी, तो अभी अनाया भी सो गई है, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो बस अभी मैं भी सोने की तैयारी करती हूँ, फिर सुबह सवेरे उठना है। तो जी अभी यहाँ पे है सुबह सुबह सवेरे का टाइम और मैं उठ चुकी हूँ, बच्चों को भी उठा लिया, बच्चे भी रेडी हो रहे हैं। और ये पेस्ट हो गया, इकराश ने अपनी पसंद से लिया था ब्रश पेस्ट वगैरह, तो उसको अभी मैंने खोल दिया क्योंकि इनका पेस्ट बच्चों का ख़त्म था। और ये छोटा सा खिलौना, और वो अभी इकराश खुद ही खोल के देखेगा किसमें क्या है। बच्चे भी रेडी हो गए और इनके लिए अभी लंच बन रहा है। क्या है दिखा, ठप्पा है स्टैम्प, मुंह पे नहीं लगाना, अभी स्कूल जाना है। सबका लंच बन रहा है, फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ आज लंच में भी। चलो आ जाओ डालो बैग में लंच, जाओ गाड़ी आ गई है, जाओ। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बस यहाँ पे अभी मेरा नाश्ता हो रहा है, अनाया ने भी नाश्ता कर लिया है, तो अभी फ्रेंच टोस्ट और चाय में भी सुबह का भी नाश्ता ही करने लगी हूँ।